हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई बहुत है और घुमावदार सड़कें हैं इसकी। ये पहाड़ की ऊंची चोटी पर है। तो आज हम सज्जनगढ़ पैलेस जा रहे हैं। सज्जनगढ़ को मानसून पैलेस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ इसे सिसोदिया महाराजा सज्जन सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। पहले ये वैशाला के नाम से जाता था। शहर से 8 किलोमीटर और पश्चिम में है। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक इसका खुलने का टाइम है। ये उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं इसे। सज्जनगढ़ पैलेस के पास घूमने लायक कुछ आश्चर्यजनक जगह हैं, जैसे लेक फतेह सागर, लेक पैलेस, सिटी पैलेस, लेक पिछोला और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। आप मुंबई, आगरा, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे विभिन्न स्थानों से उदयपुर के लिए आप सीधी ट्रेन भी ले सकते हैं और सज्जनगढ़ किले से उदयपुर रेलवे स्टेशन 7 या 9 किलोमीटर दूर है। गाइस ये देखिए ऊपर से कितना सुंदर दृश्य दिखता है। ये पूरा देखो, ये ऊपर से लिया गया दृश्य है। ये सामने लेक फतेह सागर दिख रहा है, पिछोला झील और ये पूरा उदयपुर सिटी दिखता है। यहाँ से ये पूरा उदयपुर सिटी दिख रहा है। घर तो ऐसे लगते हैं जैसे बहुत छोटे छोटे से। दोस्तों अगर आप सज्जनगढ़ किला आना चाहते हैं तो यहाँ पे शुल्क है। भारतीयों के लिए तो प्रति व्यक्ति 110 रुपये है और जो विदेशियों के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये है। और जैसे 2-व्हीलर है उसके लिए 55 रुपये लेते हैं और 4-व्हीलर के लिए 300 रुपये। तो आप यहीं से नीचे से पर्ची कटवा के आप 300 रुपये में ऊपर गाड़ी तक जा सकते हैं गाड़ी से। और ये सज्जनगढ़ के किले का मतलब ऊपर का है, गाड़ी आपको ऊपर किले तक लेके जाएगी, फिर वहाँ पे आप घूम सकते हैं। देखिए दोस्तों ये सज्जनगढ़ का ऊपर का किले का हिस्सा है। ये बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ पे गाड़ी से 2-व्हीलर से आराम से जा सकते हैं लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत है गाइस। अगर आप उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें ये 3-4 घंटे समय, इसको देखने के लिए आपको 3-4 घंटे का समय लगेगा और आप इसे दिन में ही देखें तो ज़्यादा सही है।